लाउडस्पीकरों से हो रही अजान के विरुद्ध हिंदू जागरण मंच ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई है कि लाउडस्पीकर से अजान बंद कराई जाए। देपालपुर में हिंदू जागरण मंच व हिंदू समाज ने आज संवैधानिक व बिना अनुमति के मस्जिदों से स्पीकर एम्पलीफायर पर हो रही अजान का विरोध किया है। हिंदू जागरण मंच ने कहा कि लाउड स्पीकर की आवाज से ध्वनि प्रदूषण फैलता है व आमजन के दैनिक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। मंच ने थाना बेटमा, देपालपुर, गौतमपुरा व हाथों थाने पर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में इस्लामिक राष्ट्र सऊदी अरब का हवाला देते हुए बताया कि जब एक इस्लामिक राष्ट्र होकर वहां स्पीकर व लाउड स्पीकरों पर अजान नहीं होती तो भारत जैसे देश में इसका कोई औचित्य नहीं है। इस बात को लेकर हिंदू जागरण मंच के विभाग संयोजक धीरज यादव, जिलाध्यक्ष रमेश जाट के नेतृत्व में थाना प्रभारी मीणा कर्णावत को ज्ञापन दिया गया। देपालपुर से दीपक जाट की रिपोर्ट। आज जो मस्जिदों में अवैधानिक रूप से बिना परमिशन के जो लाउड स्पीकर लगा के शोर फैलाया जा रहा है, जिससे आम समाज को स्वास्थ्य पर कई विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं। भारतीय दंड विधान की धारा 268 के तहत ध्वनि प्रदूषण एक पब्लिक न्यूसेंस कृत्य है, जिसकी सजा भादवी की धारा 290 में वर्णित है तथा पुलिस एक्ट 1861 के तहत भी इसमें कार्रवाई की जा सकती है। 1861 की धारा की 30 एवं 32 के तहत मस्जिद के द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण एवं न्यूसेंस सतत उत्पन्न किए जाने पर दंड अधिरोपित किए जाने का प्रावधान है। और केवल भारत में ही नहीं, सऊदी अरब जैसे इस्लामिक राष्ट्र में जहां पर 94,000 से अधिक मस्जिदें हैं, वहां पर भी इस प्रकार नमाज के लिए जो अजान होती है लाउड स्पीकर पे, उस पे निषेध घोषित किया हुआ है। और ये निषेध भी किसने घोषित किया है, वहां पे एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर सऊदी अरेबिया, जो खुद सऊदी अरेबिया सरकार का है। इन्हें मैं प्रत्येक दिन 5 बार जो अजान होती है लाउड स्पीकर पे, वो भी बिना परमिशन लिए, जिसके कारण सघन आबादी वाले क्षेत्र में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी के विरोध में संपूर्ण हिंदू समाज एवं हिंदू जागरण मंच के द्वारा प्रत्येक थाने पर जाकर एक ज्ञापन दिया जा रहा है, इसलिए आज देपालपुर में भी आए थे।